सभी को, और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:45 हो रहे हैं। आप देखिए, खुद देख लीजिए, है ना। और विनीत जी आए नहीं थे कल, मैंने कहा था परसों की वीडियो में बताया था कि विनीत जी फर्रुखाबाद जा रहे हैं, और आई थिंक आपको ये भी बोला था कि वो रात को आ जाएंगे, तो वो नहीं आ पाए, और इसी वजह से मैंने कल वीडियो शूट भी नहीं किया। मैंने कहा मैं शूट करूँगी तो अपलोडिंग कौन करके लाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ नेट इशू रहता है, तो या तो कस्बा जाना पड़ता है या फिर ऑन रोड ज़्यादा पड़ता है, और अकेले मैं जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे मैंने कल वीडियो शूट नहीं किया था, और आज भी नीचे आ जाएंगे, मेरी बात हुई थी उनसे। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मुझे जाना है बफेलो शेर, और घर पे भी अभी झाड़ू लगानी है, तो चलिए चलते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, अगर किसी को रिप्लाई ना मिल पाया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे इतनी दिक्कत हो रही है नेट की, इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा करके। और ये कोई आवाज़ आ रही हो तो माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, कूलर चल रहा है, इसी वजह से मैं छत पे नहीं गई थी रात, क्योंकि अकेले मैं नहीं सो सकती छत पे, मुझे डर लगता है। हालांकि डर की कोई बात नहीं है, पर फिर भी रात को बारिश या आंधी आ जाए तो फिर लेके जाना बच्चों को दिक्कत रहता है, क्योंकि दोनों ही बच्चे छोटे हैं और नींद में होते हैं ना, इसी वजह से। तो मैं छत पे नहीं गई रात, तो चलिए चलते हैं हम अपने काम पे। और ये मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा जो पहला काम होता है वो यही होता है कि भगवान जी के हाथ जोड़ के और डायरेक्ट किचन में जाना। गैस इसलिए साफ़ करती हूँ, हालांकि रात को साफ़ करके सोखती हूँ। हमारे यहाँ ना जब नाच आया था ना, गेहूँ आए थे, तब बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, तो हम चूहेदान रखते हैं, पर पता नहीं इतने चालाक हैं चूहे कि आते ही नहीं हैं, रोटी खा के चलते बनते हैं। तो इसी वजह से मैं ना पूरी स्लिप साफ़ करती हूँ और गैस साफ़ करती हूँ, मेरा ये काम होता है। और फिर झाड़ू लगाना होता है। मुझे ये लगता है कि ना, वैसे मैं किचन में कोई चीज़ नहीं रखती, नीचे तो बस ये मेरे बर्तन ही रहते हैं, और जो खाने पीने वाले हैं वो स्टैंड पे ऊपर रख देती हूँ। तो इसीलिए मुझे ना डेली विनी जी कहते हैं क्या ये डेली साफ़ करती है, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये बात है, मैंने कहा चूहे है ना यहाँ पे गंदा कर जाते हैं तो अजीब सा लगता है। तो साथ ही मैं ये नीचे जो मेरे डिब्बे रखे रहते हैं इन पे जैसे धूल मिट्टी, हमारे यहाँ बालू हलती है बहुत ज़्यादा। एक सिस है, वो कह रही थी कि ना दी आप यहाँ पे कुछ लगवा लीजिए, तो ये हमारा काफ़ी पुराना घर है ना, तो हम इस पे कुछ लगवाते भी हैं ना, जैसे पेपर वगैरह चढ़वाना या कुछ ऐसा, तो बालू के साथ वो भी निकल जाता है। तो हमने कुछ प्लानिंग की है घर के लिए कि ये सारा नीचे नीचे तुड़वा के इस पे मतलब जो टाइल्स आते हैं वो लगवा लेंगे, और फिर दोबारा इसे मॉडिफाई कराएंगे। तो यही है, मैंने लगा ली किचन की झाड़ू, और ये बच्चों के लिए मैंने ना पानी गर्म होने लगा दिया है जब तक मेरा थोड़ा काम ख़त्म होगा, और फिर लाइट भी चली जाती है, तो इस वजह से लाइट चली जाएगी जब तक मेरा पानी हो जाएगा। 6 बजे लाइट चली जाती है सुबह। और ये मैं ले जा रही हूँ भैंस के लिए पानी, सानी करना है ना, वहाँ पे घेर में जाना है, तो 2 डिब्बे काफ़ी होते हैं। खर दलिया फुलाना होता है और खर फुलानी होती है। तो हम लोग है ना यहाँ पे जो घेर और प्लॉट है, रात में ताला लगा के सोते हैं, तो मैं वो ही खोल रही हूँ। और ये देखिए दिन भी निकलता जा रहा है, निकल ही आया है। सुबह सुबह पता है गांव में काम करना ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ताज़गी होती है और ठंडा ठंडा मौसम होता है, ऐसा मन करता है। लेकिन ना ये वाला जो समय है वो पूरे शाम तक रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाट, और अगर आप गांव से होंगे तो आप समझते होंगे। अभी मुझे ना यहाँ पे देखिए सब खाली खाली पड़ा है, अभी मैं भैंस को सानी करूँगी और यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, सड़क पे झाड़ू लगाऊंगी, सारा करूँगी, फिर घेर में जाऊँगी। मुझे कम से कम ये काम करने में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि झाड़ू अभी मैं घर लगा के आई हूँ, यहाँ पे भी करनी है, पहले भैंस बांधू तब करूँगी सारा काम। पानी मैंने भर के रख लिया है पिलाने के लिए और नहलाने के लिए, नहलाऊंगी तो नहीं क्योंकि दोनों शैतान हैं, भैंस भाग गई तो और बस, तो मैं कर लूँ जल्दी से काम। और मैंने सानी कर ली है, इसमें मैं आटा फुला रही हूँ। हमें 1 कटोरा सुबह आटा फुलाना होता है, और शाम को सानी करने के बाद फिर 1 कटोरा फुलाना होता है। दलिया हम बस सुबह ही फुलाते हैं, अभी रांध के नहीं खिला रहे, शाम को बस सुबह फुला दिया, शाम तक वो फूल जाता है और उसे भैंस को डाल देते हैं। और सानी वगैरह मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि डेली डेली सी ही सानी दिखाती हूँ, तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे क्या ये रोज़ रोज़ भैंस का चारा और भैंस दिखाती रहती है ना।
तो इसमें मैंने पानी कर दिया। ये देखो हमारी बसंती दोनों, इनको मैंने बांध दिया है यहाँ पे लाके घेर में। ये अपना चारा खाएंगी, तब तक मैं झाड़ सकेर कर लूँगी। और मैं आ गई थी घेर में, सॉरी प्लॉट में आ गई थी, क्योंकि रात भर यहाँ बंदी रहती हैं तो गोबर हो जाता है, और तो इनके लिए यहाँ पे नीचे साफ़ करके जब इन्हें दोबारा यहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि भाई ये भी पशु हैं तो इनके नीचे भी बासा गंदा रखना अच्छी बात नहीं है। तो ये फिर मैं सारा काम ख़त्म करके घेर का, प्लॉट का झाड़ू वाड़ू लगा के और आ गई हूँ किचन में। मम्मी जी भी उठ गई हैं, बच्चे भी उठ गए हैं, तो बना रही हूँ चाय और साथ में बच्चों के लिए दूध तैयार कर रही हूँ। मैं कोकू चाय नहीं पीती, मैं भी सुबह एक टाइम ही चाय पीती हूँ बस, क्योंकि मुझे थोड़ी वीकनेस लगती है इस वजह से। और शादी से पहले मैं कभी भी चाय नहीं पीती थी, यहाँ पे आके मैंने सीखा है चाय पीना, क्योंकि विनी जी कहते थे हम पीते हैं तो बैठती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, दूध होता है तो मैं दूध पी लेती हूँ, पर अभी भैंस दूध नहीं दे रही। और ये मैंने बेडशीट साफ़ की थी क्योंकि कल तेज़ हवा आई थी, तो मैंने कहा मैं डेली नहीं हल्लाती, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं कुछ काम ऐसे हैं जो डेली नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ बेड, यहाँ पे एक तो आप बेड पे और तखत पे कोई नहीं सोता, तो ये ऐसे ही एकदम साफ़ सुथरे पड़े रहते हैं। और वो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं बेड पे, ये फोल्ड करने थे कल के, धुले हुए हैं। अब तो डेली सी मशीन चल रही है, क्योंकि आंधी आ जाती है, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और विनी जी का भी आना जाना लगा रहता है, घर रहते हैं तो इतने कपड़े नहीं होते। और ये तनु नहा लिया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा सारा काम, मतलब सारा नहीं कहूँगी, मतलब मैं नहा ली हूँ और घेर का सारा हो गया है, भैंस नहा ली है और झाड़ू पोछा सब हो गया है। अभी मुझे जाना है किचन में, सनलाइट काफ़ी तेज़ आ रही है। हमारा ना ये ट्रैक्टर आप देख रहे हो ऊपर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है। और आज की एक खास बात बताऊँ आपको, आज हमने सबने येलो येलो पहना है ना, तनु तनुज येलो है ना। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। ये काला होता जा रहा है तू रोज रोज, है ना। गाँव के बच्चे हैं भाई, है ना। और पापा जी कहाँ गए तनु के, और भी लेने। अरे हट छोटा। और दीदी क्या दी, कुकू देख रही है, देखो वो बैठी है, उसने भी येलो पहन रखा है, दिख रही है आपको, कमरे में बैठी है, उसने भी येलो पहन रखा है। हमने पता है, हमें पता ही नहीं चला कि हमने सबने येलो येलो ड्रेस निकाल के रखी है, क्योंकि इसे मुझे पहनाना होता है। कुकू नहा ली थी इसे नहलाने के बाद, और फिर मुझे भी नहीं पता, सबका कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा हो गया है येलो येलो। और आज खाने में मैं बना रही हूँ लौकी, मैं वैसे अरबी बना रही थी, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी अरबी, तो लौकी वाला आया, सब्जी बिकने वाला था, अभी देंगे, तो सब्जी वाला आया था तो मम्मी ने लौकी ले ली। और विनी जी आएंगे शाम को, फोन आया था अभी निकले भी नहीं है वहां से। तो अभी नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तनु हिलाओ, नहीं कुछ नहीं बनाया है। मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ा थोड़ा हल्का सा नाश्ता कर लिया जाए, तो मैं जब सब्जी बनाऊंगी ना तो उसमें थोड़े से चिप्स निकाल लूंगी। तनु वहाँ जाओ बेटा, ठंडी बात होती है। और अभी मुझे ना पीपल मिला के आना है, मिनी जी ने कहा, वो चुप रहो, हाँ देंगे। मिनी जी ने कहा था कि है ना ऐसा है, वो मंगलवार और शनिवार को है ना हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सोमवार को व्रत रहते हैं। तो अब वो तो है नहीं वहाँ, नहा के उन्होंने हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया, मानता नहीं है तनु, है ना। उन्होंने वहां पे नहा के हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया, पर बोल रहे थे कि ना तुम पीपल लगाया ना। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि काम से ही फुर्सत हो जाए अगर कुछ नहीं खाया। मैं ना, मेरा कोई नियम नहीं होता, मैं बस ये मानती हूँ कि भगवान दिल में होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब भूखे भजन ही करना चाहिए। मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे जब भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, चाहे नहाने से पहले हो चाहे नहाने के बाद। तो अभी तक तो फिलहाल मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि काम ही लगी रही थी और नहा ली हूँ, तो मैंने सोचा चलो नहला के आती हूँ। हालाँकि मैंने मनीष जी से मना कर दिया था, मैंने कहा मुझसे मत बोलो, क्या पता मैं नहीं नहला पाई, तो मैं वो नहला के आऊँगी। दाल मैंने जब तक गला के रख दिए, और कुकू देख रही है कार्टून,
मंकी एंड ट्रंक, बच्चों के साथ मजे आते हैं कार्टून देखने। मैं भी नहा के अंदर जैसी रेडी हो रही थी, हाँ, तो मैं भी देखने लगी, मगन हो गई। ये देखो क्रैक्स में निकला था, क्या निकला था बाबू? ये मुझसे नहीं आएगा, इसकी स्प्रिंग हो गई है, इसकी वो कहाँ स्प्रिंग कहाँ है, इसमें डालने वाली है, बंदूक चलाने वाली, ये बंदूक नहीं, कुकू दीदी से लगाओ, कुकू दीदी लगानी है। दीदी तो अभी मैं लिखा के आऊँ पीपल, यही पास में ही है, मैं हमारे यहाँ से जो पथवारी वाला मठ दिखता है ना, वहीं पे पीपल लगा हुआ है, और फिर आके बनाऊँगी मैं खाना। तो और ये मैं बना रही हूँ लौकी, लौकी मेरी सिंपल सी रहती है हमेशा, हींग जीरा और सारे मसाले, धनिया मिर्च नमक, क्योंकि मम्मी के लिए लौकी तोरी ज़्यादा बताई हैं, तो इसीलिए बना रही हूँ। और विनीत जी होते हैं तो हम दो अलग अलग सब्ज़ी बना लेते हैं, यानी अपने खाने के लिए अलग, लौकी तोरी हमसे डेली नहीं खाए जाते, पर अब विनीत जी नहीं थे तो मैंने सोचा मैं भी लौकी से ही काम चला लूँगी, नहीं मैं अरवी बनाती, मैंने बॉईल कर ली थी अरवी पर मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मम्मी ने बोला कि मैं अरवी नहीं खाऊँगी, तो इसीलिए मैंने अरवी को फ्रिज में रख दिया है। और ये सिंपल सी लौकी है जो बन गई है मेरी, इसमें ज़्यादा सीटी भी नहीं लगानी पड़ती, एक सीटी में हो जाती है एकदम बढ़िया। और चने की दाल डाल के बनाती हूँ मैं। और ये हो गई है रेडी लौकी, मतलब छुक चुकी है, और इसमें लगा दिए कुकर का ढक्कन, हमारा कुकर का ढक्कन ख़राब हो गया है तो इसमें चम्मच लगानी पड़ती है पता नहीं क्यों। और ये साथ ही में मैंने थोड़े से सब्ज़ी छोंकने से पहले कुकर में ही थोड़े से बच्चों के लिए चिप्स सेक दिए थे ताकि उनका नाश्ता हो जाए, मैं भी कर लूँगी। हम लोग नाश्ता करने बैठे ही थे, थोड़ा सा ही कर पाए थे, तभी इतनी ज़ोरों से आंधी आई, काला काला बादल आया, मम्मी ने बोला कि ना वहाँ पे कंडे रखे हैं और पिटोरा कवर करना है, तो हम लोग उठा के रख के नाश्ता और इसे करने चले आए, तो इसे भी आज ही आना था। बिना विनी जी के अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बच्चे भी, मुझे डर लगता है कि बच्चों को साथ लेके जाऊं तो कहीं ना चोट वोट ना आ जाए, पर हालांकि मेरे बच्चे मैनेज करवा देते हैं कि मम्मी अकेली है, तो तनु तो देखो तनु भी साथ में लगा हुआ है, कंडे रखवा रहा है, ये छोटे छोटे जो बटोरे पे से जो उतरे थे ना साइड से, हमने ये दोबारा रिपेयर किया है ना इसे से, तो ये हमारे भरोसे में काम आ जाएंगे, क्योंकि अब भैंस की डिलीवरी होने वाली है तो वो दलिया खाएगी, बनोरे खाएगी, गर्म पानी पिएगी, तो इस वजह से तो मैंने ये कवर कर दिया, और बच्चों ने भी कंडे भर दिए, थोड़े से जो बचे थे वो मैंने भरवा दिए। तनु पता नहीं क्यों कुकू से इतनी बहस करता है बहुत ज़्यादा, जबकि हम लोग समझाते हैं ये दीदी है दीदी है, नहीं मानता है, दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बटोरा कवर कर दिया, आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ हवा आने लगी, उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आई थी जैसे ही हम घर पहुँचे, मैंने कहा शुक्र है बच्चे आंधी में नहीं थे, नहीं तो आँखों में डस्ट पड़ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। और ये है हमारी जेठो, और पूछने आई थी चाची ढक गया या नहीं, मैं ढकवाऊँ, उनका हो गया। उड़ तोता उड़, मैना उड़, और कबूतर उड़, मोर उड़, भैंसिया उड़, दोनों उड़ाई दोनों उड़ाई दोनों उड़ाई। हमने तुमसे नमक मंगाया और तुम मिर्च लेके आए। लग गई मंगाई और तन्नू क्या लाया? टॉफी। लग गई। चलो अब तन्नू उड़ाएगा, तन्नू भैंसिया उड़, डायरेक्ट भैंसिया उड़ा दी। पतंग उड़, गैया उड़, उड़ गई। मैंने तुमसे चॉकलेट मंगाई, टॉफी मंगाई, नमक मंगाई, और तुम कल आए धनिया। चार मारो खिपरा मियां बुलाए, चमकत आए पकड़ बिलंदी इसके कान, कान पकड़ो। चेऊ मैं चेऊ
तन्नू सोया तन्नू सही है। मैं पूरी करूँ पुआ 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 सही है। मारू पंसेरा पंसेरा पूरी करूँ पुआ 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 सुनो नो 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 और सही है मारू पंसेरा पंसेरा पंसेरा। चलो अभी हो गई है शाम और मैं आई हूँ छत पे पौधों में पानी लगाने, तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और भी नीचे अभी तक आए नहीं हैं, बोल रहे थे आ जाऊँगा एक घंटे में, बस सिटी तक पहुँच चुके हैं तो आ ही जाएंगे। और खाने की प्रिपरेशन मैं करके आई हूँ, आटा गूंथ के रखा ही और सब्ज़ी भी बना के रख के आई हूँ। मैं कुछ कहना चाहूँगी, जो लोग मुझसे जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करती हैं या क्या यूज़ करती हैं, थंबनेल बहुत अच्छा होता है आपका, चैनल के बारे में कुछ सेटिंग्स वगैरह पूछते हैं, तो मैं अगर उनको रिप्लाई करती हूँ ना तो मेरा डब्लू टी कटता है। मैं बहुत ही कम रिप्लाई करती हूँ जो क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम किसी भी ऐप के बारे में या चैनल की सेटिंग के बारे में ऐसा कुछ बताते हैं ना तो हमारा डब्लू टी कटता है। तो इसी वजह से मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। थोड़ी लेंथी हो गई थी क्योंकि मैंने आज सुबह से शूट किया था अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि विनी जी थे नहीं और मैं भी उठ चुकी थी। मैं आज 4:30 बजे उठी थी तो 4:45 से मैंने खाना स्टार्ट किया था, टाइम भी दिखाया था आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे ही आ गई थी यहाँ पर, थोड़ा डिब्बे में पानी बचा था तो उसी से मुँह हाथ धो दिए छत पे ही। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि घमोरी भी निकलना शुरू हो गई है, कल कह सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देती हूँ आपको, तब के लिए बाय एंड डम डम।